हेलो दोस्तों, हाय। माय यूट्यूब चैनल बेबी 3.0 में आपका दिल से स्वागत है दोस्तों। तो आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे दोस्तों, और हम बहुत अच्छे हैं। और हम अभी जस्ट सो के उठे हैं दोस्तों, और उठे हैं और थोड़ा सा खाना खाए हैं, और खाना खा के और अपने काम पे लग गए हैं। जो कि देख सकते हैं कितने सारे लेडीज को काम करना पड़ता है, ये आप लोगों को तो पता ही है दोस्तों। तो इसलिए हम उठे हैं फटाफट से, और हम पुराने कपड़ा को रिपेयरिंग करने के लिए बैठ गए हैं दोस्तों। इसलिए क्योंकि जैसे कि कपड़ा पहनते हैं रोज़ रोज़, तो सिलाई वगैरह तो उधर ही जाती है दोस्तों। तो सिलाई जो है ना वो खुल गया, तो मैं उस सिलाई को सिली हूँ अभी। जैसे हमारे हस्बैंड जी के पैंट है, जो कि पैंट के नीचे का जो गोड़ी होते हैं, इसकी सिलाई उधर गई थी, तो मैंने इसको फिनिशिंग कर दी हूँ। और ये हमारा जीन्स है बच्चों का, जो कि मैं इसको भी रख दी हूँ इधर फिनिशिंग करके। और मैं ये टी शर्ट को अब सिल रही हूँ दोस्तों। और जैसे देख रहे हैं सिलाई उधर जाते, देखिए छेद हो रखा, तो ये जो है ना सिलाई उधर जाते, कच्ची सिलाई होती है दुकाने का दोस्तों, तो इस वजह से जो है ना सिलाई उधर जाते हैं। और मैं इसको जो है ना थोड़ा थोड़ा सिल के और इसको मैं अच्छे से बना देती हूँ, ताकि कुछ दिन सब पहन ले। क्योंकि अक्सर तो देखते हैं जैसे कि लाते हैं कच्ची सिलाइयाँ होती हैं, दो चार दिन पहनो तो बच्चे के तो खास कर उधर ही जाते हैं, बच्चे इधर उधर धूम धाम करते रहते हैं ऐसे दोस्तों, तो सिलाई खुल ही जाते हैं। तो इसलिए मैंने थोड़ा बहुत सिल दी हूँ, और मैं अपने हस्बैंड जी के टी शर्ट को सिल रही हूँ, इनके भी सिलाई उधर गए हैं। तो इसलिए दोस्तों, और मैं बहुत देर से बैठी हूँ यहाँ पे, थोड़ा सा खाना खा लिए हैं और अपने कामों में लग गए हैं दोस्तों। और अच्छी तरह से देख लेते हैं कहाँ कहाँ बच गए, कहाँ कहाँ सिलना है मुझे। एक दो दो जगह तो हमने सिल दिए हैं दोस्तों, और अभी कई सारे कपड़े हैं सिलना मुझे। बिना किए हुए अच्छा भी नहीं लगता है, और आँखों के सामने अगर कुछ ऐसे वैसे पड़ा आ रहे हैं तो भी अच्छा नहीं लगता है दोस्तों। जब तक उस काम को हम फिनिश भी ना कर दें तब तक। अब सिल दिए हैं, थोड़ा सा बाजू में बच गया है दोस्तों, जो कि मुझे उसको सिलना है। और मेरा लड़का पढ़ रहा है बैठ के दोस्तों। अब ये देखिए, और शाम का टाइम हो गया है, और मौसम भी कुछ चेंज हो गया है दोस्तों, मौसम भी कुछ चेंज सा हो गया, जैसे कि ठंड सी आ गई हो ऐसे लग रहा है दोस्तों। और देख सकते हैं यहाँ पे ऐसे करके हम फैला रखे हैं सामान, इधर हमारा मेन गेट दिख रहा है लोग, देखिए दोस्तों ये इधर सारे पलंग पे कपड़ा है फैला हुआ, देख सकते हैं दोस्तों। मैं भी बैठ के सिल रही हूँ, उधर मेरा लड़का बैठा हुआ है, जो कि हम उसका सीन नहीं लेंगे। आप लोग तो पता ही, हर वीडियो बनाते हैं जो लोग नहीं आते हैं कहते हैं मम्मी आप करो, हमें नहीं करना है, तो इस वजह से वो नहीं आते हैं। तो चलिए दोस्तों, थोड़ा सा और रिपेयरिंग करना है, कर ही लेते हैं। एक टी शर्ट बच गया है मेरा लड़का को, और मैंने इधर जो भी जीन्स देख सकते हैं, जीन्स और ये पजामे वजामे जो जो सिल दिए हैं, देख सकते हैं दोस्तों। ये टी शर्ट भी फाइनल हो गया, पैंट और ये भी, सारे तीन कपड़ा हमने फाइनल कर दिए दोस्तों। और एक टी शर्ट और है, जो कि मेरा लड़का का है बड़े वाला का, और उसको फेंक रखा है कहीं, उसको उठा ले। बहुत देर से बैठे हुए थे दोस्तों, थक गए के नीचे। और ये देखिए लाल टी शर्ट, काफी देर से बैठे हुए दोस्तों, पैर जाम हो गया है। ये देखिए, ये मेरा बेटा का है लाल टी शर्ट, ये कुछ भी नहीं हो रखा है दोस्तों, और बस ज्यादा नहीं, थोड़ा सा रिपेयरिंग करना है इसको, ज्यादा नहीं है दोस्तों, बस ये देख सकते हैं इतना सा है। ये देखिए बस एक उंगली घुसने लायक है, जो कि वो नहीं पहनता है, बोलते हैं मम्मी इसको सिल दो तो पहनूंगा। तो बहुत दिन से पड़े हुए थे, इसको ऐसे ही अलमारी में डाल रखे थे, तो बोला मम्मी मुझे रेड कलर का टी शर्ट पहनना है, इसको आप सिल दो। तो जब हम काम वाम करके ऊपर से नीचे आए थे, क्योंकि सारा काम फिनिशिंग करके नीचे आ जाते हैं, तो फिर मैं शाम को ही जाती हूँ दोस्तों, तो इसको सील देते हैं एक बार। और देख सकते हैं रेड कलर के रील लगाने पड़ेंगे, जबकि मैं फ़ोन लगा रखी हूँ उसी डब्बा के पास, तो एक बार उठाते हैं और रील को देखते हैं इसमें कौन सा कलर है, रेड कलर लगेगा दोस्त। देख सकते हैं इस डब्बे में से खोलते हैं,
और रेड कलर मुश्किल लग रहा है, ये रहे रेड कलर दोस्तों, और इसको करते हैं बंद और यहाँ पे रख के, और मैं इसमें फ़ोन लगा देती हूँ ऐसे करके, फिर मैं आप लोगों से बातें कर रही हूँ। और इधर देख सकते हैं सामान सुमान कैसे फैला पड़ा है, और मैं अभी सिलाई कर रही हूँ बस थोड़ा सा, ये टी शर्ट जो सिलना है ना मैं इसको सिल ही देती हूँ, क्योंकि आज मुझे मार्केट भी जाना है दोस्तों सामान वामान लेने के लिए, क्योंकि कुछ जाके मेहंदी वगैरह जो होते हैं राखी वाखी और भी बहुत सारे सामान लाने हैं दोस्तों, जो कि अभी हमें मार्केट जाना है। और ओफ यही काला धागा ही लगा दिए दोस्तों। चलिए कोई ना, मैं अब सिल ही देती हूँ, शाम हो गया है ज़्यादा, थोड़ा सा ही है आधी उंगली की इतनी है, तो इसलिए दोस्तों सामान सामान लाना है मुझे। आज मार्केट लगा हुआ है, आज हमारे इधर मंगलवार को मार्केट लगता है, आज मंगलवार का दिन है जो कि हमारे घर के पास ही लगता है ये सत्य विहार में, तो हम जा रहे हैं आज सामान सामान लेने। तो ये बस एक टी शर्ट था दोस्तों, इसको हो गया है फिनिशिंग कर देते हैं और फिर हम चलते हैं। बहुत दोस्तों दिक्कत होती है, फ़ोन स्टैंड नहीं है बनाने में, काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है मुझे, फ़ोन रखने की जगह नहीं है हमारे पास, कहाँ रख के बनाओ कहाँ नहीं, बहुत मुश्किल होता है दोस्तों। और आप लोग तो पता है कोई हेल्प नहीं करता हमारे वीडियो में, हम अकेले खुद वीडियो को बनाते हैं, ब्लॉग हो या शॉर्ट वीडियो हो कुछ भी हो, क्योंकि कोई भी हमें हेल्प नहीं करते हैं वीडियो में, कोई भी यहाँ तक कि फ़ोन तक नहीं पकड़ते हैं कोई भी, मैं अकेले मेहनत करती हूँ और बनाती हूँ दोस्तों। ये देखिए हो गया है ये, अब एक बार इसको देख लेते हैं जो कहाँ से कमी है। ये देखिए दोस्तों एक जगह और, और मेरा लड़का बोला है मम्मी जल्दी कर लो मार्केट जाना है, शाम हो गया है, मेरे हस्बैंड जी भी आने वाले हैं, तो बस फटाफट से इसको रिपेयरिंग करके और निकल जाते हैं मार्केट के लिए दोस्तों। तो आप लोग हमारे वीडियो के साथ कंटिन्यू बने रहे दोस्तों, आप लोग स्किप नहीं करिएगा, जो भी छोटी सी ब्लॉग आते हैं हमारे आपके पास उसको देखने के लिए थैंक यू सो मच दोस्तों आप लोग। तो दोस्तों देखिए मेरा कपड़ा फिनिशिंग हो गया है, अब हम उठ रहे हैं दोस्तों क्योंकि सारे सिल गए हैं, और इसको रील को इसमें रख देते हैं, और थोड़ा बस हो गया दोस्तों, अब हम जा रहे हैं, शाम हो गया है बिल्कुल, इसको अब ऊपर लेके जाएंगे दोस्तों। ये देखिए ये चार कपड़ा को अभी सिलना था, और हम ऊपर जाएंगे लेके इसको, अब शाम हो गया है दोस्तों, देख सकते हैं एक बार बाहर का नज़ारा दिखाती हूँ आप लोग को, थोड़ा सा शाम हो गया है, ये देखिए दोस्तों ये गेट खोले, देखिए ये शाम हो गया है, थोड़ा सा देख सकते हैं 7 बजने को है, और बस हम जा रहे हैं अब जल्दी जल्दी से, क्योंकि टाइम लग जाता है, 1-2 घंटे खाना भी बनाना है, और कपड़े आप लोग देख ही सकते हैं इतने सारे हमने फिनिशिंग कर दिए हैं दोस्तों। कपड़े को फेंकना नहीं चाहिए, अगर 2-4-10 बार आप पहन भी लिए, 1 महीना पहन भी लिए हैं 2 महीने, तो अगर थोड़ी सी अगर सिलाई विलाई उधर जाए तो सिल लेना चाहिए। हम तो सिल लेते हैं दोस्तों, हमारा तो इतना वो नहीं, हम तो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं दोस्तों, तो हम इतना नहीं है जो एक बार फट गए तो हम फेंक देते हैं उसको, ऐसा नहीं है दोस्तों, क्योंकि सिलाई है कच्ची सिलाई होती है ना दोस्तों, तो उधर ही जाते हैं। और देखिए सारा सामान कैसे फैला पड़ा है ऐसे ही दोस्तों, और मैं ये डब्बे डुब्बे लाई थी भीग के देख सकते हैं ये, और इसको भी यहाँ पे रख देते हैं। तो चलिए दोस्तों बाबा फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज हमें सपोर्ट करिएगा, क्योंकि मुझे आप लोगों की प्यार और सपोर्ट की इतना सारा जरूरत है दोस्तों, बहुत सारा, इसलिए क्योंकि आप लोगों को पता ही है जैसे मैं चोरी छिपके बनाती हूँ और मुझे कोई सपोर्ट नहीं करता है, और इतना भी कुछ हमारे पास वो नहीं है जुगाड़ जो कि मैं अच्छी तरह वीडियो वगैरह बना सकूँ, कुछ ऐसा नहीं है दोस्तों, इसलिए आप लोग हमें सपोर्ट करते रहिए। तो बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, लव यू, हमारी यूट्यूब फैमिली खुश रहे और खुशियाँ बांटते रहिए आप लोग।